आज ध्वनि बोल के गई है कि मम्मा मेरे लिए बर्गर बना के रखना। फ्रेंड्स देखो कितना बड़ा ये बॉक्स उठा लाई है क्ले का, बट लड़की मानती नहीं है। कोई नहीं, चलो ले आई, पापा को मिस कर रही थी। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं निकल गई हूँ बच्चों को लेने के लिए। ध्वनि की फ्रेंड आई है नया घर पे। ध्वनि को कितनी याद आ रही है अपने पापा की। जरा हमें कैमरे पे बस रोना नहीं, हम तुम्हें संभाल नहीं पाएंगे, रोना नहीं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स नए दिन की शुरुआत हो गई है और जैसा कि आपको पता है पापा गए हैं भोपाल। हाँ, रात को बच्चे सोने में बहुत ड्रामा कर रहे थे। ध्वनि बहुत मिस कर रही थी पापा को, एंड जिनी भी बहुत मिस कर रही थी पापा को, बट सो गए। फिर मैंने सुबह उनको स्कूल भी भेज दिया। आज बहुत थोड़ा टफ था क्योंकि पापा भी घर पे नहीं थे, पापा छोड़ने जाते हैं, बट आज मुझे जाना पड़ा छोड़ने बच्चों को स्कूल। तो चलो अब मैं घर के सारे काम करती हूँ। आज ध्वनि बोल के गई है कि मम्मा मेरे लिए बर्गर बना के रखना। अब सुबह लेके गई है पास्ता लंच बॉक्स में और अब कह के गई है कि बर्गर बना के रखना। तो मैं बर्गर की तैयारी करती हूँ और उन्हें लेकर भी आना है। आज तो वैसे भी मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा उन्हें लेने के लिए। देखो वो बच्चा पार्टी करके आ रही होगी स्कूल में। वैसे मैं आ गई हूँ किचन में, तो किचन में पहले टिक्कियाँ बनाती हूँ चलो बर्गर की। A few moments later. तो फ्रेंड्स फाइनली मेरी टिक्कियाँ बन के रेडी हो गई हैं। मैं आपको दिखा सकती हूँ अपनी टिक्कियों की लुक। तो बर्गर की टिक्की बन के रेडी हो गई है, मैंने चटनी भी पीस दी है। अब बस सिर्फ रह गए हैं बर्गर मंगाने, मतलब वो पाव जो गोल गोल बर्गर आते हैं ना वो मंगाने रह गए। अभी आएगा कोई तो मैं मंगाती हूँ। और हाँ, आज पता है क्या हुआ, आज मुझे बच्चों को लेने खुद ही जाना, मतलब खुद तो मैं सुबह भी गई थी छोड़ने, लेकिन ड्राइवर भैया आज आएंगे नहीं। सुबह आए थे बट वो क्या गए थे दोपहर में, वो नहीं आ पाएंगे। तो मुझे ऑटो से उन दोनों को लेने जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, गर्मी में पसीनों के साथ हमें ऑटो से जाना पड़ेगा और मुझे उन्हें ऑटो से लाना पड़ेगा। तो वो जर्नी भी देखते हैं कि मैं कवर कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, या इरिटेट हो जाऊंगी पसीनों की वजह से। तो देखते हैं, चलते हैं जरा बच्चों को स्कूल से लेकर आते हैं। और ध्वनि लेकर आई थी कल क्ले, मैं दिखाती हूँ आपको क्ले का बॉक्स उसका। तो फ्रेंड्स ये रहा ध्वनि की क्ले का बॉक्स, मैं दिखाती हूँ आपको। ध्वनि कल बहुत सारी क्ले लेकर आई थी। ये देखो फ्रेंड्स, देखो कितना बड़ा ये बॉक्स उठा लाई है क्ले का, बट लड़की मानती नहीं है। कोई नहीं, चलो ले आई, पापा को मिस कर रही थी, उसको क्ले लानी थी तो वो ले आई। चलो जो भी है, अब मुझे लाना तो पड़ेगा बच्चों को स्कूल से, ऑटो से जाना पड़ेगा। अभी गर्मी भी बाहर बहुत ज़्यादा है, बच्चों को हैबिट भी नहीं है ना ऑटो वाटो से आने की। कोई बात नहीं, कभी कभार तो मैनेज करनी पड़ेंगी ना चीज़ें। तो चलो मैं लेकर आती हूँ बच्चों को स्कूल से और कवर अप करने की कोशिश करती हूँ कि मेरा ऑटो का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं निकल गई हूँ बच्चों को लेने के लिए। मुझे ऑटो तक नहीं मिला है कोई, मैंने रिक्शा किया है। मैं बच्चों को लेने जा रही हूँ, तो चलो बच्चों को लेते हैं स्कूल से। फ्रेंड्स फाइनली मैंने जिनी ध्वनि को ले लिया और ये बैठ गए हैं। ध्वनि पीछे बैठ गई है, जिनी आगे बैठी है। जिनी कैसा लग रहा है फर्स्ट टाइम रिक्शे में जाना? ध्वनि आपको कैसा लग रहा है, गर्मी लग रही है? यस मजा आ रहा है। तो चलो घर चलते हैं। फ्रेंड्स फाइनली हम घर पहुंच गए हैं एंड जिनी ध्वनि का आप हाल देख सकते हो, पसीनों में बिल्कुल तरमतर। तो आज तो इन्हें शावर लेना पड़ेगा दोनों को, है ना ध्वनि? नहीं, शावर नहीं लेगी। पापा कॉल कराओ। आप पहले अपने मुंह हाथ धो लो, कपड़े चेंज कर लो, फिर मैं पापा से कॉल कराती हूँ, ठीक है? हाँ, और फिर खाना वाना खाओ, रिलैक्स होके एसी चलाओ। बेटा आप क्या ऑर्डर देके गए थे मम्मी को? तो फिर बर्गर ही है आपकी सेवा में, आपके खिदमत में बर्गर हाजिर। आपके लिए फ्रेंच फ्राइज और स्माइली है, और क्या चाहिए? समोसे खा लिए वो छोटे वाले, और क्या? थप्पड़ है लेगी? पास्ता भी है। हाँ पास्ता भी है। अच्छा बताऊँ अभी बुक्कड़ की नानी। ये क्या हो रहा है ये? चलो जल्दी से कपड़े वपड़े चेंज करो, जल्दी से रेडी हो जाओ, ठीक है? ओके हाँ, ए ड्रामेबाज। चलो चलो, गर्मी लगी रिक्शे में? अच्छा रिक्शा राइड कैसी लगी है तो बताओ? मजा आया? बहुत अच्छी थी। ध्वनि को तो वैसे इन हरकतों में बहुत मजा आता है ना ध्वनि? ये वो अपनी अच्छे से लाइफ एंजॉय कर रही है जिनी। हर हाल में खुश रहना सीखना चाहिए इंसान को, है ना ध्वनि? आई एम राइट? हाँ यस। A few hours later. तो जिनी आप ट्यूशन से आ गए हो? आ गई, और मैंने आते ही सबसे पहले पापा से बात करी। हाँ पापा बहुत अच्छे हालत में थे, पापा एंजॉय कर रहे हैं। पापा बैचलर लाइफ अपनी एंजॉय कर रहे हैं अपने ब्रदर्स के साथ, तो उन्हें बहुत मजा आ रहा है अपने ब्रदर्स के साथ। हाँ तो आप ध्वनि पे आते हैं। आप ध्वनि की फ्रेंड आई है नया घर पे, डॉली। हाय डॉली, हेलो। तो ध्वनि क्या हो रहा है यहाँ पे? आईपैड। आपकी फ्रेंड घर पे आई है, मैं वही कह रही हूँ, आपकी फ्रेंड डॉली घर पे आई है इतने टाइम बाद और आप आईपैड पे लगे हुए हो। बंद करो उसको जल्दी से। क्या खेल रहे हो? पॉप्सिकल। अच्छा, पॉप्सिकल गेम्स खेल रहे हो। तो अनाया को मजा आता है, डॉली आपको मजा आता है? कितना मजा आता है? क्यों आता है? क्यों आता है? क्यों आता है बताओ, मैं हमें बताओ क्यों आता है? क्योंकि हम दोनों अपनी अपनी फ्रेंड्स। अच्छा, ये देखो ये देखो। हाँ जी, अब आप बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे थे? क्या 70? 70? Oh my God! पापा के पास मेल नहीं जाती इस टैब में, जाती है ना, मेरा आईडी चलता है इस पे। तो मैं पापा का आईडी डलवाऊंगी जरा, जो इसकी डांट वाट लगे थोड़ी सी ना। ये कौन सी काउंटिंग हो रही है? 47 पे आ गई, 50 पे आ गई। ओ भाई, अभी रुक जा, आने दे आने दे आने दे, पापा को मौजा ही मौजा कराती हूँ इसकी, आने दे। तो चल 74 बोला ना मैंने आपको, 70 गेम्स है मिनिमम या मैक्सिमम है। तो सारा दिन टैब पे गेम्स खेलती है? हाँ। आपको क्या क्या? अच्छा, मुझे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है और अभी पापा को आने दे, सारी प्रॉब्लम का सलूशन। अच्छा चलो, आप डॉली के साथ एंजॉय करो, मैं तो मजाक कर रही थी। बट ध्वनि सच में बहुत अच्छी बच्ची है। इस तेरी इंग्लिश की कॉपी है, मैं फ्रेंड्स को दिखाती हूँ तेरा जो सरप्राइज टेस्ट हुआ था और तुझे एक्सीलेंट मिला था। जल्दी से निकाल के लेकर आ। हाँ, ध्वनि नहीं है इंग्लिश की आपकी नोटबुक नहीं मिली? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैथ्स में क्या टेस्ट थोड़ी ना हुआ है तेरा? ईवीएस में क्या हुआ है? ईवीएस में टेस्ट नहीं हुआ ना आपका? हुआ है। कोई बात नहीं, कोई नहीं। चलो हम आपकी इंग्लिश की नोटबुक बाद में दिखाएंगे जब टेस्ट आएगा। अच्छा दिखाओ। फैशनेबल, वेरी गुड। गलत लिखी हुई है स्पेलिंग आई थिंक। हाँ, तो कोई बात नहीं। ध्वनि सही लिखी हुई है। वेरी नाइस। फ्रेंड्स कल मैंने कॉपी किया है। अच्छा ये बता, इंग्लिश का कॉपी किया था तूने टेस्ट? हाँ फ्रेंड्स, कल मैंने इसकी इंग्लिश की नोटबुक खोली और इसने टेस्ट कर रखा था, उसमें एक्सीलेंट मिला था। मुझे बिलीव नहीं था ध्वनि को एक्सीलेंट मिलेगा और उसकी सारी स्पेलिंग सही थी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ध्वनि, तूने मेरा दिल जीत लिया। Later that same evening. तो फाइनली अनाया घर चली गई है, मतलब डॉली अपने घर चली गई है और ध्वनि अपना होमवर्क करने बैठ गई है। तो ध्वनि क्या कर रहे हो आप होमवर्क में? क्या कर रहे हो? किस सब्जेक्ट का कर रहे हो? मैथ्स का। अच्छा, नंबर नेम्स कंप्लीट। तो करो जल्दी से, हम जिनी के पास जाते हैं। जिनी क्या कर रही है? नहीं, अपने आप करो, मैं जिनी को देखती हूँ। जिनी आप क्या कर रहे हो? अभी अपना होमवर्क लेके बैठ गई हूँ। अभी मैं अपना मैथ्स का, मेरा ऑल टाइम कंप्लीट रहता है। अच्छा, ऑल टाइम कंप्लीट रहता है। मैथ्स तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। मतलब ऐसे रहता है, मैं पूरे दिन भर मैथ्स पढ़ सकती हूँ और कोई सब्जेक्ट मतलब पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, पूरे दिन मैथ्स पढ़ सकती हूँ। अच्छा, तो अब आप मैथ्स कर रहे हो? अच्छा, और अब मैं अपना इंग्लिश करूंगी। इंग्लिश में कोई नोटिस राइटिंग करनी है। हाँ हाँ, मतलब वर्कशीट आई हुई है, उसमें नोटिस राइटिंग का क्वेश्चन है, वो करना है। अच्छा, फ्रेंच की वर्कशीट करनी है मेरे को। तो चलो आप करो, फिर उसके बाद मैं खाना बना के खाना लगाती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? डन। हाँ जी बोलिए। हाँ, था कैसे बनेगी? था हाँ, 3 R डबल E 3। ठीक है, जल्दी से लिखो फटाफट से। चलो मैं कराती हूँ। आई थिंक ये मतलब मेरे को अभी इस वक्त पापा की इतनी याद आ रही है, मतलब अगर अभी पापा होते ना तो पापा वहाँ पे बैठ के अपना लैपटॉप पे काम। हाँ, तो पापा सुबह सुबह आ जाएंगे, पापा की ट्रेन 10 बजे चलेगी। तो ध्वनि को कितनी याद आ रही है अपने पापा की। जरा हमें कैमरे पे बस रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, हम तुम्हें संभाल नहीं पाएंगे। रोना नहीं, रोना नहीं। बच्ची पापा को याद करके कल इतना रोई है, तो अब नहीं रोना, ठीक है? हाँ, चलो जल्दी जल्दी अपना होमवर्क डन करो। चलो आओ आओ आओ, आओ ड्रामेबाज, आ जाओ जल्दी आओ। A few moments later. ध्वनि क्या हो रहा है यहाँ पे? है क्ले से खेल रही है। क्या बना रही है? ओ वाह भाई साहब, कितनी सुंदर क्ले बनाई है, मतलब कितनी सुंदर डॉल बनाई है क्ले से ध्वनि ने। ध्वनि, ये आपकी क्रिएटिविटी है? हाँ। वाह, आपने तो बहुत सुंदर डॉल बनाई है। किससे सीखी आपने डॉल बनानी? आती थी आपको डॉल बनानी? अरे वाह जिन्नी, जल्दी आके देख ध्वनि ने कितनी सुंदर डॉल बनाई है। जल्दी तो आ देख, तू हैरान रह जाएगी डॉल देख के। रह गई हैरान। हाँ, ये ध्वनि ने बनाई है, माइंड ब्लोइंग है ना। ध्वनि, आपने किससे सीखी? अब सच सच बता दो। सच में ये हेयर भी एंड ये ड्रेस भी बहुत ही सुंदर बनाई है ध्वनि, मजा आ गया। सेकंड वो थी ना शिवा की। हाँ, मुझे भी वो याद आई। हाँ, क्या हुआ था क्ले के, पता नहीं मैंने बहुत बार कहा था कि तो मम्मी ने वो बनवाया, और पता है क्ले के कंपटीशन में भी गई थी। तुझे याद है? तुझे, हाँ, तूने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था। और तुझे याद है मैंने क्ले से क्या बनवाया था? तुझे पूरा बेडरूम, चाइल्ड रूम। हाँ, पांडा का नहीं, आपका एक छोटा सा बेडरूम भी बनवाया था, उसमें एसी, वॉल सब क्ले की बनाई थी मैंने। बहुत, हाँ, पांडा का बनवाया था। बाल्टी भी बना सकती थी। ओ भाई साहब, तूने तो कमाल कर दिया, मजा आ गया, मजा मौजा ही मौजा हो गई भाई ध्वनि। यहाँ तो इतनी सुंदर क्ले बनाई है, वेल डन ध्वनि। अच्छी लगती है नहीं लगती है हमें कमेंट करके बताओ। जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं उसमें अच्छी, जैसे मुझे क्ले अच्छी लगती है तो मैं उसमें अच्छी, मैंने क्या क्या दूंगा और अच्छी। हां, डांसिंग भी अच्छे। हां, जिन्नी इज ऑलवेज ऑलराउंडर है ना। तो चलो अपना ये कंप्लीट। क्या नहीं पसंद? सबसे ज्यादा थोड़ी पढ़ाई करना नहीं पसंद। ध्वनि, जो तेरा नया चल रहा है सॉन्ग सुनाइए, सिंगिंग वाला। अरे बेटा वो हाँ, इंस्ट्रूमेंट सुन ले उसकी बात। प्लेस नहीं है, इंस्ट्रूमेंट की प्लेस है। आप समझ गए? इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये क्या बोले जा रहे हो ध्वनि आप? हैं फ्रेंड्स, इनकी कॉमेडी तो ऐसी चलती रहेगी। और अब टाइम हो रहा है इन्हें सुलाने का। तो मुझे सुलाना है क्योंकि कल स्कूल फिर से मुझे छोड़ने जाना है, पापा आएंगे सुबह सुबह। तो वी होप आपको हमारा ये ब्लॉग बहुत 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 पसंद आएगा। तो इसलिए इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। अरे अरे, जा कहाँ रहे हो? ये वाली वीडियो देखी नहीं? देखी तो क्लिक करो और जल्दी से देखो।